सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोनित HSSC में इंदिरागांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। सो जो भी आपके यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के PG के एडमिशन चले हुए हैं UTD के, उन सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे कि आपके जो भी डाउट है एडमिशन को लेकर, कि एडमिशन डेट क्या होने वाली है, एडमिशन किस किस कोर्स के चले हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा उस बेस पे आपके एडमिशन होने वाले हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, किस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और एंट्रेंस टेस्ट आपका कितने नंबर का होगा, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कोर्स की फीस कितनी होने वाली है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और फीस रिफंड पॉलिसी क्या होने वाली है, सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो भी आपके PG के एडमिशन चले हुए हैं PG के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए, उन सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके किस किस कोर्स के एडमिशन है वो चले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके डिप्लोमा कोर्स हैं और जो भी आपके PG के कोर्स हैं उन सभी के आपके एडमिशन चले हुए हैं। डिटेल्स वाइज आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो इन सब के एडमिशन आपके चले हुए हैं जिनमें आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, फार्मेसी 2 ईयर का आपका जो हो गया लीड जिसको बोलते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद LLB LLM हो गया, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA योगा, MCA MBA, जो भी आपके कोर्स हैं, MSc बोटनी बायोटेक्नोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उन सब के एडमिशन आपके चले हुए हैं। ये हो गए आपके कोर्सेज की बात। अब करें कि एडमिशन डेट आपकी क्या होने वाली है। तो एडमिशन डेट की अगर हम बात करें तो एडमिशन डेट कुछ इस प्रकार से आपकी होने वाली है। जो आप देख सकते हैं कि आपके जो एडमिशन है वो आपकी स्टार्टिंग डेट 3/6/2024 थी, उसके बाद आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की होने वाली है 27/6/2024 और इन सब के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके बाद बात करें आपकी 27/6 की क्लोजिंग डेट है, उसके बाद आपकी लास्ट डेट हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए वो आपकी 8/7/2024 है, इसकी बाद में बात करेंगे। उसके बाद जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया 27/6/2024 को, आपका 1 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब एंट्रेंस टेस्ट किस कोर्स का किस दिन होगा उसकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो आपकी यहां पर दे रखी है डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यहां पे आपकी डेट बताई गई है 4 जुलाई से आपके एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है और कोर्स यहाँ पे आपके बताए गए हैं कि किस कोर्स का किस टाइम पे आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। सभी एंट्रेंस एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, इंदिरागांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के अंदर। तो यहाँ पे आप डिटेल वाइज रीड आउट कर सकते हो। ये आपकी फिर आपका 5 जुलाई का होगा इन कोर्सेज के लिए और इस टाइम पे होगा, उसके बाद 6 जुलाई को होगा आपका इन कोर्स का और इस टाइमिंग पे आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप चलोगे तो 8 जुलाई का आपका लास्ट एंट्रेंस टेस्ट है इन कोर्सेज के लिए और इस टाइमिंग पे आपका होने वाला है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का पिछली बार भी डाउट था कि हार्ड कॉपी कैसे जमा करवानी है, तो जिन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा उनको हार्ड कॉपी नहीं जमा करवानी यूनिवर्सिटी के अंदर। जिनकी मेरिट बेस्ड आपकी जैसी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके तुरंत बाद उन स्टूडेंट्स को अपनी हार्ड कॉपी जमा करवानी है जिनका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, जिनका एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया जाएगा जिन स्टूडेंट्स का। उसके बाद आपकी यहां पे हो गई, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का। यहां पे आपके रिजल्ट के बारे में बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 11/7/2024 को आ जाएगा रिजल्ट आपका। उसके बाद बात करें कि आपके जैसे रिजल्ट आया उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 15/7/2024 को लगेगी और फिजिकल काउंसलिंग 17 तारीख को होगी। उसके बाद वैकेंट सीट 19 तारीख को आप रीड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट और फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी किस तरह से होने वाली है, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 22/2024। अब बच गया आपका एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या आएगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपको मान लीजिए MA इंग्लिश में एडमिशन लेना है तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप MA इंग्लिश के लिए योग्य हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है आपका यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो भी आपके कोर्स हैं उनके लिए आपका बताया गया। जैसे मान लीजिए आपको MCOM में एडमिशन लेना है, MCOM जो आपकी होने वाली है 2 साल की होने वाली है, ये आपका एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक एक मैं रीड आउट करके आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा वीडियो बनाने में। तो ये इस प्रकार से आपका MCOM हो गया, फिर MCOM इंटीग्रेटेड हो गया, फिर MBA हो गया, उसके बाद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग हो गया, MA इंग्लिश हो गया, MA हिंदी हो गया, उसके बाद MSc मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc जियोलॉजी, MSc बोटनी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc एनवायरमेंटल साइंस, MA हिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स, उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स, MA योगा, उसके बाद MSc ज्योग्राफी, LLB, बी फार्मेसी 2 ईयर, उसके बाद एम फार्मा,
बीटेक हो गया आपका, बीटेक सेकंड हो गया आपका, एमसीए हो गया, एमएससी साइकोलॉजी होगा। तो ये सभी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखे हैं कि किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको, मान लीजिए किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, कितने वो होगा और उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है। अब बात आती है एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या आएगा और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हम कैसे करेंगे, उस सब की अगर बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या आएगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए सिलेबस बना रखा है कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, ये आपका एमकॉम हो गया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए और किससे क्या कुछ पूछा जाएगा वो आपके नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, सभी कोर्स के बताए गए हैं, जिन जिनका एंट्रेंस टेस्ट होना है उन सभी कोर्सेज के यहाँ पे बता रखे हैं और कितने आपके क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सभी यहाँ पे बताए गए हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, किसी भी प्रकार के आपके लिए आपको ब्रीफ में नहीं लिखना, सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो ये सभी आपका नोटिफिकेशन में बता रखा है, हिंदी से लेकर आपका हिस्ट्री तक और आपका एमएससी बोटनी से लेकर जियोलॉजी सभी इसमें बता रखा है। उसके बाद बात करें कि आपको तैयारी कैसे करनी है एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें बता रखा है कि आप अपनी एंट्रेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसमें आपके बैक ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे सभी कोर्सेज के, उसके लिए आपको कल वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था कि आपके एडमिशन चले हुए हैं, लास्ट डेट आपकी जो होने वाली है वो बता दी, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा और फीस रिफंड के लिए एक और बच गया आपको, फीस रिफंड कैसे आपकी होगी उसके लिए यहाँ पे बता रखा है कि जो भी आपकी फीस रिफंड पॉलिसी है, ये सबसे पहले कोर्स की फीस हम भूल गए थे सॉरी, तो किस कोर्स की कितनी फीस है, एमए इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की आपकी टोटल फीस ये होने वाली है। उसके बाद एमए योगा, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, सभी की फीस यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपका बताया गया है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप रीड आउट अच्छे से कर सकते हो। इसमें मैंने मेन जो आपके पेजेस हैं वो आपके निकाल के रखे हैं। अब आपकी फीस रिफंड की होगी, फीस रिफंड की बात यहाँ पे आपकी बता रखी है कि जो भी आपकी फी रिफंड है, फी स्ट्रक्चर है वो ये होने वाला है और फी रिफंड आपको कैसे कुछ होने वाली है वो सभी इसमें नोटिफिकेशन में आपको बता रखा है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट की बात हम कर रहे थे, तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आपको बैक ईयर क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे आपको करनी है। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको कल एक अलग सी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।